और अभी तक और रात ही इस गौशाला के अपनी टीम के साथ हम सबको साथ जोड़कर लगे हुए हैं। स्वागत है आपने आज हमारा प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी मुहिम में साझेदारी की है। मैं भूप सिंह सिरसा से हूं और मैं जिला शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन जो है उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूं। मेरे को जो प्रेरणा की जब आप बात कर रहे हैं वो मुझे, मैं पिछले 25 साल से लगातार इस रक्तदान मुहिम से जुड़ा हूँ। आज पहली बार मेरे बेटों को साथ ले गए हूँ मैं इनको रक्तदान करवाने के प्रयत्न करने के लिए, ताकि जो परिवार की परंपरा है वो आगे चलती रहे। और मैं इस मुहिम के लिए अपने प्रधान जी हैं उनका धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, समाज सेवा का जो एक लक्ष्य लेके चले हैं। भगवान इनको भी कामयाबी दे और इनकी जो है ना ये मुहिम इसी प्रकार चलती रहे। दीन दुखियों की सेवा में ये सदैव आगे। धन्यवाद। आज हम चौधरी देवीनाथ गौशाला में हमारे अजीत भाई श्री जेपी गुप्ता जी ठक्कर जी, जो कि लाइन क्लब सिरसा अमर द्वारा रक्तदान शिविर इस गौशाला में लगाया गया है, उसके बारे मुख्य अतिथि है श्री जेपी गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि जी ठक्कर जी, लाइन क्लब अमर की तरफ से और सभी गो भक्तों की तरफ से, चौधरी देवीनाथ गौशाला की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है गुप्ता जी का, ठक्कर जी का और साथ आए हुए सभी गो भक्तों का। मेरे आदरणीय भाई सुरेश गोयल जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि गौशाला के अंदर जो है आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से हम चौधरी देवीलाल गौशाला के प्रांगण में हैं, जहां की एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि रक्तदानी जो है कि अपने पलंग पर हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। आज चौधरी देवीलाल गौशाला के प्रांगण में जो कि रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है उसकी तमाम तस्वीरें आप हमारे साथ हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आइए हम रक्तदानियों से बातचीत करते हैं। इसी के साथ चौधरी देवीलाल गौशाला से ज़िला प्रधान है, उनको भी आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि वो भी रक्तदान कर रहे हैं। आइए हम रक्त की एक एक बूंद का जीवन में क्या महत्व है इस बारे में उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। तो जी जानना चाहेंगे प्रधान जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं रक्त की एक बूंद के माध्यम से। जय गो माता जय गोपाल। मैं अपने जिला सिरसा वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जब हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, रक्त की ज़रूरत होती है, तो हम कहते हैं भाई फटाफट ब्लड ले आओ। उस टाइम हमारे को यूँ महसूस नहीं होता ब्लड कहाँ से आएगा, लेकिन यूँ कहते हैं भाई आप ब्लड दे दो। जब हमारी बारी आती है तो हम ब्लड नहीं देना चाहते। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। ये ब्लड हमारा जवानों के लिए, कईयों की सर्जरी होती है, हार्ट सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है, तो उनके लिए 5-5-6 बोतल ब्लड की ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ से आती है? ब्लड कोई बनता तो है नहीं, आज तक कोई कृत्रिम ब्लड तो बना नहीं। ब्लड तो इंसान के ब्लड से ही इंसान के ब्लड
फंड में जाएगा। इसलिए मैं आपसे आपको संदेश देता हूँ कि आप रक्तदान 3 माह में या 6 माह में एक बार जरूर करें। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता शरीर पे। इस टाइम मेरी उम्र 62 वर्ष की है, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी गौशाला के सभी कर्मचारी यहाँ ब्लड दे रहे हैं। उसमें ड्राइवर भी है, मैनेजर भी है, डॉक्टर भी है, सारे दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी अपार हर्ष हो रहा है। इसमें सुरेश गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये ब्लड कैंप लगवाकर लायंस क्लब अमर की तरफ से, लायंस क्लब अमर का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त किसी फैक्ट्री में उत्पन्न नहीं होता, रक्त किसी कारखाने में पैदा नहीं होता। एक और रक्तदानी की आप हमारे साथ तस्वीर दे सकते हैं। इसी के साथ ये जो ब्लड डोनेशन करने आए, इन्हीं के साथ इन्हीं के परिवार के कुछ सदस्य हैं, इनसे भी प्रतिक्रिया जानने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इनसे जानेंगे कि ये अपने जीवन काल में आप अपना कौन सी बार यहाँ रक्तदान करने हैं, पहली बार है या अनेकों बार कर चुके? एक्चुअली कई बार कर चुका हूँ, कि इतना अभी मैं ये नहीं कह सकता कितनी बार, क्योंकि मैं अपनी ग्रेजुएशन के टाइम से ऑलमोस्ट 6 महीने में ब्लड डोनेट करता आया हूँ। क्योंकि मेरे फादर साहब का कहना है कि जो चीज़ हमेशा से आप लोगों की जान बचाने के लिए दे सकते हो, उसको अपने पास रख के क्या फ़ायदा। और बताया जाता है कि एक बार ब्लड डोनेट करने से आप 4 जाने एक साथ बचा सकते हैं, क्योंकि आपका ब्लड जो है प्लेटलेट्स में, प्लाज्मा में, ब्लड में अलग अलग सेपरेट किया जाता है और अलग अलग चढ़ाया भी जाता है लोगों को, जैसी उनकी ज़रूरत होती है उसके बेसिस पे। तो हमारा ये इनिशिएटिव था, बिकॉज बीइंग अ सेक्रेटरी फ्रॉम लायंस क्लब सिरसा अमर, हम लोगों ने ये टाई अप किया था कि ब्लड डोनेशन हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आके यहाँ ब्लड डोनेट कर पाएँ। इवन आई ब्रॉट माई डॉटर विद मी, ताकि वो बचपन से ये चीज़ देखे, बल्कि उसने तो अभी मुझे कहा मुझे भी डोनेट करना है। स्टिल शी इज़ लेस ऑफ एज, और हमारे यहाँ लड़कियाँ भी कम भी दान करती हैं। उसका रीज़न कोई जेंडर बायस नहीं, बल्कि ये होता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। बट आई वुड वॉन्ट कि लड़कियाँ भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ, वो इतनी हेल्दी हों कि डोनेट कर पाएँ। और इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए मैंने उसे अभी से लाना शुरू किया है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब उसका नंबर आए तो हिचकिचाए नहीं। तो आप हमारे साथ देखते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर ही इन्होंने अपने पहली बार रक्तदान किया और अपने परिवार को, अपनी आगामी पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से रक्तदान की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसी के साथ इनके परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। मैडम, आप कैसा लग रहा है कि आप इस रक्तदान शिविर में आए, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी डॉटर इतनी एक्साइटेड है, उसको लग रहा है कि मुझे भी देना है, उसके पापा और दादू दे रहे हैं, है ना क्रिस्टीना? जब आप बड़े हो जाओगे दोगे ब्लड? बोलो यस यस। एक और आप हमारे साथ डोनेटर देख सकते हैं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ, मैंने एक दो बार हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप मैंने काफ़ी लगवाए हैं पहले। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे अनिल जैन जी का एक मैसेज पढ़ा कि ब्लड बैंक में खून की कमी है, अगर हो सके तो कैंप लगाओ और खून दान करो। फिर मैंने जोगिंदर नागपाल जी, धर्मपाल जी से चर्चा की, इन दोनों ने मेरा हौसला बढ़ाया। फिर मैंने रमेश जी से बात की, रमेश जी ने भी हौसला बढ़ाया। फिर मैंने जयप्रकाश गुप्ता जी से संपर्क किया, ये हमारे अग्रवाल समाज के नव नियुक्त प्रधान हैं, हमने इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाली है प्रधान पद की, और हमें इनसे बहुत सारी उम्मीदें भी है कि ये एक समाज में नई क्रांति युवा वर्ग आया है लेके आएगा। मैंने इनसे संपर्क किया, इन्होंने तुरंत मेरी बात पे हाँ करी और आज ये आए, इन्होंने हमें समय दिया और हमें बड़ा अच्छा लगा, और मैं इस कैंप को लगा के एक मानसिक संतुष्टि महसूस कर रहा हूँ। देखो, खून एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की खून की पूर्ति इंसान ही कर सकता है, और इसके महत्व का तब पता लगता है जब भगवान ना करे आपके परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, जो कि जीवन में होनी होनी है, किसी ना किसी रूप में आती है, और उस टाइम हम ब्लड के लिए जब भागते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका क्या महत्व है। और स्वस्थ आदमी अगर देता है तो उसको कोई नुकसान नहीं है इससे। जैसे अभी हमारे एक सज्जन आए थे, वो अपने दोनों बेटों को लेके आए और तीनों बाप बेटों ने खूनदान किया, उनको प्रेरणा भगवान से मिली हुई है। हमारे प्रधान जोगिंदर नागपाल जी खुद और इनका बेटा दोनों ब्लड डोनेट करेंगे आज। तो ये हैं प्रेरणा स्रोत। तो हमारे जब ये लोग बाप बेटे दोनों कर रहे हैं, मेरा बेटा करेगा, मैं इंसुलिन लेता हूँ इसलिए कर नहीं पाया, नहीं तो मैं भी करता। और ये हर इंसान को, अगर वो स्वस्थ है और उसका खून देने लायक है तो ज़रूर देना चाहिए। ये एक महापुण्य है जो इंसान ही कर सकता है, किसी और का खून हमारे किसी काम का नहीं।
के गर्भ है, जो कि ब्लड डोनेट करता है, ब्लड डोनर प्लीज ध्यान रहे, उसको ऐसे ही सम्मानित किया जाएगा। आप सभी ब्लड डोनर से प्रार्थना कि वो ब्लड डोनेट करते हुए पहले डॉक्टर की सलाह पर थोड़ी देर वेट करें, उसके बाद कम से कम यहाँ 100 यूनिट ब्लड डोनेट करवाए। जय गो माता, जय गोपाल। सर्वप्रथम तो मीडिया के जितने भी आपके यहाँ साथीगण आए हुए हैं, सबका चौधरी देवीलाल गौशाला की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आज जो है लाइन क्लब अमर की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। जैसे प्रधान जी ने बताया, ये है कि आज खून की, रक्त की कितनी ज़रूरत है। जब इमरजेंसी हो जाती है तो एक एक यूनिट की बड़ी वैल्यू होती है, और लेकिन देने के लिए वो भाग्यशाली जिनके ऊपर गौ माता और परमात्मा का आशीर्वाद होता है वही रक्तदान करते हैं। तो शहरवासियों से ज़्यादा अपील है कि रक्तदान जो है करना चाहिए। और आज गौशाला के अंदर ये कार्यक्रम लाइन क्लब अमर और हमारे सुरेश गोयल जी अन्य जो साथियों के साथ ये कार्यक्रम रखा गया है, और इसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, और भी जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो उनसे अपील है कि रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। गौशाला के अंदर धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्य भी यहाँ होते रहते हैं समाज के हित में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और गौओं की सेवा तो होती होती है, समाज हित में भी कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आपका धन्यवाद। जय गो माता, जय गोपाल। सबसे पहले तो आप सभी का जो यहाँ पधारे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज लायंस क्लब अमर की तरफ से रक्तदान का शिविर लगाया गया है। आपको पता ही है रक्त की कितनी ज़रूरत होती है हमारे देश में। किसी भी हॉस्पिटल में चली जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमेशा ही रक्त की ज़रूरत रहती है। हम लेते वक्त तो ये कहते हैं भी हमें रक्त चाहिए, और हम देते वक्त ये कहते हैं यार हम बीमार हो जाएंगे, हम रक्त नहीं देते। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सभी को रक्तदान करना चाहिए, इससे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ एक आधा दिन थोड़ा महसूस होता है भाई हाँ हमने कुछ हमारे शरीर में से निकला है, उसके बाद 24 घंटे में ये सारी कमी पूरी हो जाती है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप हर महीने या हर 3 महीने के बाद रक्तदान ज़रूर करिए, इसकी बड़ी आवश्यकता रहती है। कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है, कोई बड़ी लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसमें हर टाइम या कोई बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहाँ रक्त की ज़रूरत ना पड़ती हो। तो मैं आप सभी से विनती करूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर 3 महीने में एक बार रक्तदान ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा मानना यह है कि पैसे का दान जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन रक्तदान लोगों को जीवन देता है। आज के समय में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली हर क्षेत्र में, लेकिन रक्त की एक भी बूंद आज तक साइंस नहीं बना पाई। इसलिए आपका ये दान बहुमूल्य है, अमूल्य है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, स्वस्थ रहें। आज आप गौशाला में आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ के, आपको क्या प्रेरणा मिली, और आगे आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, गौशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को भी हमेशा आकर स्वस्थ और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो हमारे धर्मपाल जी, योगिंदर जी, सभी मिलकर, गौशाला के ट्रस्टी सभी मिलकर बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सिरसा का पूरा सहयोग भी मिल रहा है इनको, आसपास का भी मिल रहा है। ऐसे ही सेवा करते रहें, जहां हमारी जरूरत होगी हम कर रहे हैं। ये आज जो जिन्होंने ब्लड डोनेट किया।
कमेटी की तरफ से इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लाइन अमर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी ने देखो साथ देना है। अगर जिनको विष्णु के बर्थडे की खुशी है तो बर्थडे बताना था अपने, हम दीपक करवा देते हैं। आपको तो पता है हमारा, हमारी परंपरा को पता लगता है।